तो वेलकम टू क्रेग जीके ट्रिक्स। क्रेग जीके ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। क्रेग जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में आज तारीख है 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेगा, हर क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेगा, वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा और बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। उनके आंसर आपको अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्रेग जीके ट्रिक्स पे वीडियो शुरू करा जाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफ्रीका के। तो अभी हाल ही में अफ्रीका के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, सिरिल रमाफोसा, इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगले साल हमारे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। और अभी हमने मनाया था संविधान दिवस 26 नवंबर को, क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, तो ये हमारा जो गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी 2019 का, वो कौन से नंबर का होगा, तो वो 70वां होगा, 70th। और अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, कहाँ पे, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। और उसके बाद जब मैंने बताया वो सम्मेलन हुआ, वहां से एक अपडेट निकल के आता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। 2022 में ऐसा क्या है, तो देखो 2022 में भारत की आजादी को 75 साल हो जाएंगे, यानी कि 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी हमारे आजादी की। इसलिए 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कौन होस्ट करेगा, उसका मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्पेशली याद रखना है, मैं कह रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे तो पहले है ना, 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन है उसे कौन होस्ट करने वाला था, इटली करने वाला था, पर अब ये फैसला आया है कि 2022 का G20 का शिखर सम्मेलन भारत आयोजित करेगा। तो फिर इटली कब करेगा, वो 2021 का कर लेगा। तो इस पॉइंट से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ई दृष्टि नाम के सॉफ्टवेयर को। तो अभी हाल ही में हमारे रेल मंत्री ने लॉन्च किया है ई दृष्टि नाम का सॉफ्टवेयर। अब आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि यार ये ई दृष्टि नाम का सॉफ्टवेयर है क्या, इसे होगा क्या। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऑन टाइम ट्रेन की लोकेशन का पता लगा सकेंगे कि आपकी ट्रेन इस वक्त है कहाँ पे, और इसी के साथ साथ ट्रेन की आरक्षित वह अनारक्षित सीटों का भी आप जानकारी ले सकेंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अब बात आती है कि इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है। देखो आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है ना, एग्जामिनर किस तरफ घुमा रहा है अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को, वो ये पूछता है कि ये बनाया किसने। तो जब पढ़ ही रहे हो तो ध्यान रख लो, किसने बनाया, CRIS ने, मतलब सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अच्छा, तो ये जो ई दृष्टि नाम का जो सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च किसने किया, मैंने बताया रेलवे मंत्री ने। तो हमारे वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, तो आंसर क्या होगा, जॉन मथाई। और वर्तमान में हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होगा अश्विनी लोहानी। एक बार SSC 2012 का ये प्रश्न है पूछा गया था कि रेलवे के कोचेस का मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, तो आंसर क्या होगा, पेरम्बूर सिटी, तमिलनाडु और कपूरथला, पंजाब। लेकिन आपको पता है जब ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ना, तो एक ही ऑप्शन था, पेरम्बूर सिटी, तमिलनाडु। लेकिन आपको याद भी होना चाहिए कपूरथला पंजाब में भी बनते हैं। उसके अलावा आपको बता होना चाहिए कि भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, तो वडोदरा, गुजरात में। और भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, ये SSC CGL का प्रश्न है, तो याद रखना 1853 में। और किसके समय चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। आपको बताया रेलवे बोर्ड, रेलवे के जो बीच की पटरियां होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे गेज कहा जाता है। और वर्तमान में हमारे पास 3 गेज अवेलेबल है, नैरो गेज, मीटर गेज और बोर्ड गेज। इनके बीच की दूरियों की बात करें तो नैरो गेज की बीच की दूरी होती है 2 फुट 6 इंच, मीटर गेज में होती है 3 फुट 3 इंच, और ब्रॉड गेज में होती है 5 फुट 6 इंच। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फिल्म फेस्टिवल, इंग्लिश में बोले तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फिल्म फेस्टिवल, कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी फिल्म फेस्टिवल अगले साल फरवरी में उड़ीसा में मनाया जाएगा। तो इस स्वदेशी फिल्म फेस्टिवल में होगा क्या, तो जो स्वदेशी लोगों के द्वारा और गैर स्वदेशी फिल्म निर्माताओं के द्वारा जो भी फिल्में बनाई गई है उनका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये उड़ीसा में आयोजित होगा, तो आप उड़ीसा को मैप में देखिए, ये रहा आपका उड़ीसा, कैपिटल है भुवनेश्वर और CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, ये सबको पता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ से कई बार एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, जैसे कि उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप,
और जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे कर दिया गया है। उसके अलावा ब्लैक पगोडा किस टेम्पल को कहते हैं, तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं जो कि उड़ीसा में है। आप लोग मुझे बताएं, मैंने आपको पहले भी पूछा था कि कौन से नंबर के नोट पे कोणार्क सन टेम्पल का चित्र अंकित है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। उसके अलावा एसबीआई क्लर्क 2018 में पूछा गया था, हीराकुंड डैम कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है और महानदी पे बना हुआ है। और याद रखना, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम की बात होगी तो नाम आएगा हीराकुंड डैम का। उसके अलावा एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में है। और कटक किस नदी के किनारे है, तो महानदी के किनारे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा करंट का ही क्वेश्चन है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदल के वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया था, कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो नाम आएगा चिल्का झील का, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग है। और उड़ीसा में है कलिंगा स्टेडियम, जहां पे अभी हॉकी वर्ल्ड कप 2018 खेले जा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलती है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनजीटी ने गंगा नदी के कायाकल्प कार्यों के लिए 3 सदस्य कमेटी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूसी ध्यानी को। तो सबसे पहले आपको एनजीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एनजीटी की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अभी हाल ही में एनजीटी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यानी कि इनका नाम क्या है, यूसी ध्यानी को कायाकल्प कार्यों के लिए 3 सदस्य वाली कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है। अब शायद आपको ये कायाकल्प कार्यों का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो इसका सीधा सा मतलब है गंगा की सफाई के कार्यों से। तो गंगा की सफाई पर नजर रखने के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है यूसी ध्यानी को, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो समिति की हम बात कर रहे हैं ना, 3 सदस्यों वाली समिति, इसका गठन इसी साल 6 अगस्त को कर दिया गया था। अब आपके माइंड में जरूर आया होगा, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार समिति तो 6 अगस्त को बन गई और अध्यक्ष अब जाकर के बन रहे हैं क्या दिसंबर में। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, अध्यक्ष पहले नियुक्त हो चुके थे, उनका नाम था जस्टिस टंडन, पर अभी क्या है, प्रयागराज में होने वाले कुंभ के मेले, तो उनके आयोजन में व्यस्त हो गए हैं वो, कौन, जस्टिस टंडन। तो उनकी जगह पे यू सी ध्यानी को नया प्रमुख बनाया गया है, तो इतना आपको याद रखना है यूसी ध्यानी का नाम। और इसी के साथ में एक और न्यूज आपको बताता हूं, इसी से जुड़ी हुई, हमारी सरकार ने गंगा संग्रहालय विकसित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। कहां पे की है, तो दिल्ली में की है। इस कार्यशाला में होगा क्या, तो इंडिया और यूरोप के बीच में विचारों का आदान प्रदान होगा कि यार गंगा की स्वच्छ करने के लिए कैसे करा जाए, मतलब क्या आइडियाज हैं, तो इनका आदान प्रदान होगा। गंगा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है, इसकी कार्यशाला दिल्ली में। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कितने मिलियन बच्चे कुपोषित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 46 मिलियन। तो अभी हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 46 मिलियन बच्चे कुपोषण की वजह से अविकसित हैं, यानी कि कुपोषित हैं। और देखो, कल ही मैंने आपको बताया था कि कुपोषण के मामले में भारत सभी देशों के ऊपर है, यानी कि टॉप पे है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ओपन टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानव ठक्कर ने। तो अभी हाल ही में टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने पुर्तगाल जूनियर और कैडेट ओपन का एकल और युगल खिताब, यानी कि सिंगल में और जब वो जोड़ी के साथ खेले थे युगल में, वो दोनों खिताब इन्होंने जीत लिए हैं। अच्छा, तो अभी जो ITTF चैलेंज बेलारूस ओपन हुए थे, उसमें भी मानव ठक्कर ने अंडर 21 श्रेणी में ब्रोंज मेडल जीत लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियन ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार जीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों ने, विजय वर्मा और कप्तान पी राजकुमार ने। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना कमांडर विजय वर्मा और कप्तान पी राजकुमार ने एशियन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार जीता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार इन्हीं दोनों ने एशियन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार क्यों जीता है, तो देखो, अभी केरल में आई हुई थी बहुत भयंकर वाली बाढ़, तो उसमें निस्वार्थ भाव से जो इन्होंने सेवा करी है, जो बचाव अभियान में बहादुरी दिखाई है, उसी के लिए विजय वर्मा और पी राजकुमार को एशियन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IIBF की मेजबानी किसने की है, यानी कि IIBF को किसने होस्ट किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर ने। अब यहाँ पे IIBF का मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस फोरम। तो अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में
पहली बार इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस फोरम आयोजित किया गया। अब इंडोनेशिया के साथ ये फोरम आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले आप मैप में देखिए, ये रहा इंडोनेशिया, कैपिटल है जकार्ता। और देखो जकार्ता का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। और आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। करेंसी है इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मैं बताता हूँ इंडोनेशिया से, देखो ये जो इंडोनेशिया है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहाँ पर लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रही है। लेकिन ऐसा नहीं है ये अकेला ही है, इसके अलावा और भी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि जापान हो गया, ये यहाँ पे चिली हो गया। ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हो ना, इसे ही कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि IIBF की मेजबानी किसने की, पोर्ट ब्लेयर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पे एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो एशिया पैसिफिक समिट आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू में। तो अभी हाल ही में नेपाल के काठमांडू में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान समय की चुनौतियों पर मंथन किया गया। अब इस शिखर सम्मेलन की थीम भी रही है, वो मैं आपको बताता हूँ, एड्रेसिंग द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ अवर टाइम, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। अब ये एशिया पैसिफिक समिट नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ, तो नेपाल को आप मैप में देखिए, ये रहा आपका नेपाल, कैपिटल है काठमांडू। और देखो जब भी बात होगी काठमांडू की, तो आपको याद आना चाहिए सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली है। अभी सितंबर की करंट की न्यूज है, जो नेपाल देश है बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में AIFF किसके साथ मिलकर स्कूल स्तर की परियोजना लॉन्च करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फीफा के साथ। अब पहले तो आपको यहाँ पे AIFF ही समझ में नहीं आया होगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जल्दी फीफा के साथ मिलकर स्कूल स्तर की परियोजना लॉन्च करने वाला है। अब बात हुई है फीफा की, तो फीफा में आपको बताता हूँ, ये देखो क्या एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सबको पता है फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, और वेरी इंपॉर्टेंट इसके प्रेसिडेंट का नाम ज्ञानी इन्फेंटिनो। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल सप्ताह 2018 कब से शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर से। तो अभी हाल ही में 1 दिसंबर से सशस्त्र बल सप्ताह शुरू हो गया है, यानी कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनाया जाएगा सशस्त्र बल सप्ताह के रूप में, यानी कि आर्म्ड फोर्स वीक के रूप में। और इस सप्ताह का उद्घाटन किसने किया, तो हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को BSF ने अपना 54th यानी कि 54वां स्थापना दिवस भी मनाया है। बात हुई है BSF की, तो फुल फॉर्म तो पता होनी बनती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो रजनीकांत मिश्रा है। मोटो भी आपको इसका पता होना चाहिए, BSF का मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका हेडक्वार्टर तो भूल ही गए, जो कि नई दिल्ली में है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हम लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉजिक्स इंडिया 2019 कहां आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में 31 जनवरी 2019 से 2 फरवरी 2019 तक होने वाला लॉजिस्टिक मीट, यानी कि लॉजिक्स इंडिया 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत में वैश्विक व्यापार के परिचालन क्षमता में सुधार करना। अच्छा, तो इसका आयोजन करेगा कौन, ये होगा कहाँ पे, नई दिल्ली में। लेकिन अब करेगा कौन, तो FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम लास्ट वीडियो के कुछ का आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में कहां पे हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन सी, उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। अगला प्रश्न था, हाल ही में किसे पंडित भीमसेन जोशी पुरस्कार 2018 दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, पंडित केशव किंडे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने ऑप्शन ए बी सी डी को छोड़ करके लिख करके आंसर जो भी है उसे लिख करके देना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मेरे लिए क्यों, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात मानी। आप लोगों के लिए क्यों, क्योंकि इससे आप ही को फायदा होगा। टिट फॉर टेट वाली बात है। आपको पता है जब आप लिखोगे ना तो चीजें बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती है। आपको पता हो तो बचपन में जब आप छोटे थे आपको लिखा लिखा के चीजों को याद कराया जाता था। बस वही वाली बात है, लिखोगे तो सीखोगे, लिखो और सीखो।
और उससे भी अच्छी बात कि आप में से कुछ लोग हैं, चाहे वो गिनती में दो तीन ही हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी लिखते हैं। मैं कहता हूँ जो आंसर है वो तो लिखो ही सही, लेकिन उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है, एक्स्ट्रा आता है तो वो भी लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे जो भी आप लिख दोगे वो आप छप जाएगा, यूँ समझो, और उससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि आपके कमेंट जब दूसरे लोग पढ़ते हैं जिन्हें नहीं आता है उसके बारे में एक्स्ट्रा, तो वो भी सीखते हैं, वो भी जानते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप लोग उनके कमेंट से अगर कुछ सीख रहे हो तो उनके कमेंट को लाइक भी किया करो, उससे उनको भी अच्छा लगता है कि उनकी नॉलेज को कोई पसंद कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो मुझे लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है? तो हमेशा दूसरों को अच्छा लगाने में अगर वाकई वो उस लायक है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करो, ताकि वो आगे से और उसमें खुल करके इन्वॉल्व हो सके। मैं चाहता हूँ एक अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि आप लोग इसे शेयर करने लगे हो, क्योंकि देखो आप लोग अच्छे लोग हो, पढ़ने वाले लोग हो, तो आपसे जुड़ने वाला बंदा भी अच्छा ही होगा, पढ़ने वाला ही होगा, वो भी यहाँ आएगा तो वो भी अपनी नॉलेज शेयर करेगा, तो हर जगह नॉलेज ही नॉलेज होगी, आप कहीं से भी नॉलेज उठाओ। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो के प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारी आज की क्विज के प्रश्न है, पहला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला उल्लू महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही किसे बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, जाओ और उसमें अपना आंसर लिख दो फटाफट से, देखते हैं आज कौन पहले आंसर देता है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो पास में बेल आइकन आएगा उसे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर उसे क्लिक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो जब भी डालूंगा आपको पता नहीं लगेगा, आप पीछे रह जाएंगे। और इसे लाइक करते रहो, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मुझे अप्रिशिएट जरूर करो, और इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि देखो हम बहुत कम लोग हैं, कम लोग हैं तो कम नॉलेज शेयर होगी, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है? तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।